बुंदेलखंड को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्काल चाहिए एम्स जैसा अस्पताल। बुंदेली समाज वालों ने 7 अगस्त से सामूहिक उपवास कर अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्स के मांग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाखों पोस्ट कार्ड भी भेजे गए हैं। इस समय जो है 13 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हैं। 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हैं। बुंदेलखंड के हृदय महोबा में एम्स की स्थापना है, जिसमें बहुत काम हो चुका है। राज्यपाल जी भी सिफारिश कर चुके हैं और यहाँ के पूर्व सांसद विजय बहादुर सिंह जी सिफारिश कर चुके हैं। जमीन देने का वादा भी वो कर चुके हैं। 200-300 एकड़ जमीन जितनी भी लगेगी पूरी जमीन देने के लिए तैयार। चूँकि ये क्षेत्र ना इलाज है, यहाँ कुछ इलाज के लिए जैसे मान लो गंभीर बीमारियाँ हैं और जो होते हैं तो वो यहाँ कहीं आसपास बुंदेलखंड में कहीं अस्पताल नहीं है, इसलिए एम्स को बहुत आवश्यक है यहाँ। और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पिछड़ा महोबा है। महोबा बुंदेलखंड का हृदय स्थल है। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे क्रेशर पत्थर उद्योग है, जिसकी वजह से प्रतिदिन जाने कितने लोग घायल होते हैं और उनको इलाज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जनरल बीमारियां हैं, एक्सीडेंट हैं, तमाम चीज़ें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलाज की बेहद सख्त ज़रूरत है। और यहाँ का जो जिला अस्पताल है वो सिर्फ रेफर केंद्र बन के रह चुका है। यूपी में जो बुंदेलखंड आता है इसके 5 जिलों को भी बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें उरई, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये सीधे ऐसे ज़िले हैं जिनको डायरेक्ट फायदा होगा। और झांसी ललितपुर थोड़ा सा दूर पड़ता है, उसको थोड़ा सा हम लेकिन वो भोपाल के पास पड़ता है, वहाँ के लोग भोपाल जाके एम्स में इलाज करा सकते हैं। एम्स के लिए लड़ाई हम लोग बहुत समय से लड़ रहे हैं, 1.5 साल हो गया है और मैं हठयोग सत्याग्रह कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं नंगे पैर चलता हूँ, मैंने जूते चप्पल त्याग दिए हैं। जब तक महोबा में एम्स नहीं बनेगा मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, नंगे पैर ही चलूंगा। और अगर महोबा में एम्स ना बना तो मैं आजीवन नंगे पैर चलूंगा, ये मेरा संकल्प है। अब हमें आशा है कि शायद जो बुंदेलखंड में बड़ी सौगात देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आए हमारा कम से कम 2500 आंदोलन हुए, कई इसके एम्स को लेकर के हम लोग बहुत आंदोलित रहे और पूरी कार्रवाई प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं। हमें पूरा आशा है कि वह यहाँ आएंगे और बुंदेलखंड को जो सौगात देना चाहते हैं वो एम्स की स्थापना की घोषणा जरूर करें।